subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. चंद्रयान का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही था जब उसका संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया, जिसके बाद विक्रम से संपर्क करने की कोशिश में जुटे इसरो के वैज्ञानिकों में एक नई उम्मीद जागी है और कहीं न कहीं जल्द ही इस मिशन को सफलता भी मिलने वाली है। दरअसल इसरो के प्रमुख के सिवन ने बताया है कि चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल तस्वीर ली है। चंद्रयान 2 में लगे कैमरों ने लैंडर के भीतर प्रज्ञान रोवर के होने की पुष्टि की है, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही भारत का सपना पूरा होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मिशन को लेकर इसरो के लिए आगे कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली है? पहली चुनौती, लैंडर का सही सलामत उतरना। संपर्क दोबारा साधने के लिए लैंडर का चांद की सतह पर सही सलामत उतरना जरूरी है। इतना ही नहीं, वो इस तरह से उतरे कि उसके पांव सतह पर ही हो और उसके वो हिस्से काम कर रहे हो जिससे हमारा संपर्क टूट गया था। दूसरी चुनौती, अगर वो 50 वॉट पावर जनरेट कर सके। दूसरी जरूरी बात ये है कि लैंडर इस स्थिति में हो कि वो 50 वॉट पावर जनरेट कर सके, तभी वो सक्षम हो सकेगा। तीसरी चुनौती, उसके सोलर पैनल को रोशनी मिलती रहे। अगर उसके सोलर पैनल को सूरज की रोशनी मिल रही हो तो लैंडर का संपर्क ऑर्बिटर से दोबारा हो सकेगा। चौथी चुनौती, लैंडर में लगे इंजन सुरक्षित हों। विक्रम लैंडर के आसपास 4 इंजन लगे थे जिन्हें स्पीड कम करने के लिए फायर किया जाना था। कुल मिलाकर ऑर्बिटर से ली गई तस्वीरों से अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि लैंडर को कितना नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 काफी जटिल मिशन था, जिसके लॉन्च के बाद से ही न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीदें इस पर है। ऐसे ही चंद्रयान 2 मिशन से जुड़े सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टीम खबर अपडेट।